सिराजुद्दीन हक्कानी ने फैसले सुनाने भी शुरू कर दिए हैं। महिलाओं के विरोध को दबाने के लिए अब से अफगानिस्तान में इजाजत लेनी होगी। विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए न्याय मंत्रालय से अब अफगानिस्तान में न सिर्फ विरोध करने की इजाजत लेनी होगी बल्कि प्रदर्शन का कारण आपको बताना होगा, जगह बताना होगा, नारेबाजी के बारे में बताना होगा। यानी कि अगर आपको विरोध करना है तो उससे पहले भी आपको एक एक चीज बतानी होगी कि आपका विरोध क्या होगा, उसमें नारे आप क्या लगाएंगे, कहां पर विरोध करेंगे, कैसे आप अपना ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। और महिलाओं को इजाजत लेनी होगी, यानी कि अब अफगानिस्तान में आप कोई भी विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार के विरुद्ध तो पहले आपको तालिबान से उसकी आज्ञा लेनी होगी, वरना आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं।